Hey everyone, welcome back to the Hirdey Batch of Pradeep Classes. So, आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। अब कुछ 5 मिनट तो मैं खुद ही लेट था, लेकिन 5 से 7 मिनट और लेट इसलिए हुए क्योंकि आज कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सब बोलते रहते सर एमसीक्यू प्रैक्टिस, सर एमसीक्यू प्रैक्टिस, सर एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो भैया आज कुछ एक एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर आप लोग करोगे और एक एमसीक्यू मैं आपको दूंगा भी, आप होमवर्क क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताओगे, वो कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर, जैसे कि आपने वो क्वेश्चंस बताए थे। देखो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करा, मुझे भी टाइम के टाइम चेंज होना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने 2-3 आज पूछूंगा, पुट ऑन करूंगा। और कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे भी अबाउट न्यूमेरिकल्स, कल की क्लास तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स की होगी, मतलब आने वाली एक क्लास न्यूमेरिकल्स की होगी और एक क्लास हम डेडिकेट करेंगे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को, उसमें सिर्फ 10 से 15 एमसीक्यू हम लेके आएंगे। यहाँ पे सबने आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आएगा, आपको उसको कुछ सॉल्व करने के लिए 10 से 15 सेकंड या सॉरी कुल 1 मिनट दिया जाएगा, उस 1 मिनट के बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम चलने वाले, मे बी पैटर्न कामयाब हो पाता है नहीं हो पाता या ऐसा होता है भी हमारे को कोई दिक्कतें आती है तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चले फिर आगे की तरफ, जल्दी से एक बार लाइव चैट में बता दो, जल्दी से लाइव चैट में बताओ आगे की तरफ चले क्या। गुड नाइट सर, गुड नाइट जी, चलो फिर जिनका पढ़ने का मूड नहीं है उनके लिए गुड नाइट, जो पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट से लाइव चैट में जुड़ जाओ, फटाफट से लाइव चैट में जुड़ जाओ। आज जो हमारा टॉपिक है ना, इससे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। और एक छोटी सी खुशखबरी आप सभी के लिए, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, इसके बाद कोई टॉपिक हमारा बचा नहीं, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर दिस लेक्चर वी विल डिस्कस 2 more lectures, वन ऑन एमसीक्यू बेस्ड, वन ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड, दैट विल इंक्लूड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दैट विल इंक्लूड एग्जाम्पलर क्वेश्चन, दैट विल इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ, पहले तो बात करता हूँ थोड़ी सी एमीटर की, पहले तो थोड़ी सी बात करता हूँ एमीटर की, उससे पहले फिर मैंने आपको टॉपिक कराना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब जो बच्चे कल की क्लास नहीं लगा के उनके लिए शायद थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, आपको बताऊं एमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसमें फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब बात करूं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसे डिवाइस होती है जो करंट को मेजर कर सकती है, तो एमीटर भी यही होती है, एमीटर भी एक ऐसे डिवाइस है जो करंट को मेजर कर सकती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर अपनी पूरी डिफ्लेक्शन शो कर देता है छोटे से करंट के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, व्हाइल एमीटर कैन मेजर लार्ज करंट, इट शोज स्मॉल डिफ्लेक्शन फॉर अ लार्ज करंट। मतलब गैल्वेनोमीटर और एमीटर में से सेंसिटिव कौन है, गैल्वेनोमीटर। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहली बात ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर मेजर स्मॉल करंट एंड एमीटर मेजर लार्ज करंट। तो एक गैल्वेनोमीटर को लार्ज करंट कैसे मेजर करा सकता हूं, उसकी कन्वर्जन कैसे करूंगा, आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं, आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो बात करता हूं एमीटर की, सबसे पहले बात करता हूं एमीटर की। एमीटर इस ऐसी डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस यूज टू कैलकुलेट करंट, या इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट, यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। ये किस काम आती है, करंट मेजर करने के काम आती है, यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना है। जल्दी से एक बार बता दो एमीटर को कैसे कनेक्ट करूंगा, सीरीज में कनेक्ट करूं या पैरेलल में। मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको एमीटर को इसके साथ सीरीज में लगाऊंगा या इसके साथ पैरेलल में लगाऊंगा, सीरीज में लगाऊंगा या पैरेलल में लगाऊंगा, एमीटर को सीरीज में लगाऊंगा या पैरेलल में लगाऊंगा, जल्दी से एक बार लाइव चैट में बताएंगे सभी। जैसे ही आप लाइव चैट में बता दोगे भी एमीटर को सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है, उसके बाद का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन वैसे ही होता है जैसे एमीटर का होता है, सेम उसी वे में होता है जैसे एमीटर का कनेक्शन होता है, उसी तरीके से आपका कनेक्शन किया जाता है। हाँ जी, सीरीज में लगाया जाएगा, बहुत बढ़िया बात। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द एक्सटर्नल एलिमेंट, ये चीज भी याद रखना। क्यों सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एलिमेंट, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, इन सीरीज विद सर्किट एलिमेंट, उस सर्किट एलिमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एलिमेंट,
जितने भी सर्किट एलिमेंट होंगे उनके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस सेम रहता है, सॉरी करंट सेम रहता है। जिस करंट को इसने मेजर करना है उसके अंदर से ये फ्लो होकर चला जाएगा। मान लो इसने ये निकालना था, एक रेजिस्टेंस दे रखा था, इसके अंदर से कितना करंट आ रहा है, अगर इसके साथ सीरीज में लगाऊंगा ना तभी वो सेम करंट इसके अंदर से पास करेगा जो रेजिस्टेंस के अंदर से पास कर रहा था, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। और तीसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये एमीटर है ये करंट मेजर करने के काम आता है, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी डिफ्लेक्शन शो कर देगा। लेकिन ध्यान से सुनना, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसका अपना रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस हुआ, ये खुद का रेजिस्टेंस की वजह से इस करंट के अमाउंट को कम कर देगा। इसका फॉर आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, जो आइडियल एमीटर होता है ना, जो बिल्कुल परफेक्टली काम करता है, पता है ना आइडियल बच्चे कौन होते हैं, जिनके 100 नंबर आते हैं, जो मां बाप का कहना मानते हैं, वही आइडियल एमीटर है। ये किसी को तंग नहीं करेगा, ये अपना इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, अगर ये आइडियल एमीटर है ना तो ये किसी को तंग नहीं करेगा, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है, आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है। अब आ जाओ कन्वर्जन कैसे करते हैं। मान लो मुझे क्या करना था, एक गैलेनोमीटर लगा हुआ था, इस गैलेनोमीटर, अब ये कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, एक गैलेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करूंगा, गैलेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैलेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैलेनोमीटर इनटू एमीटर, इनटू एमीटर। देखो भाई फर्क क्या है, दोनों करंट को मेजर कर सकते हैं, दोनों करंट को मेजर कर सकते हैं, गैलेनोमीटर भी करंट को मेजर कर सकता है और एमीटर भी करंट को मेजर कर सकता है। लेकिन गैलेनोमीटर स्मॉल करंट के लिए पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि एमीटर एक लार्ज करंट को मेजर कर सकता है, जबकि एमीटर एक लार्ज करंट को मेजर कर सकता है। सर हम भी आइडियल हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। अब इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ गैलेनोमीटर इनटू एमीटर है, कैसे मैं गैलेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं गैलेनोमीटर लगा रहा हूं, ये बेचारा गैलेनोमीटर है, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट आईजी पास कर सकता है, इसका रेजिस्टेंस जी है, ये गैलेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकता है, आईजी, कितना करंट पास कर सकता है, आईजी, सिंपल सी बात सुन रहे हो, और ये बहुत छोटा करंट है, आईजी इज द मैक्सिमम करंट थ्रू गैलेनोमीटर, मैक्सिमम करंट थ्रू द गैलेनोमीटर, मैं लिख रहा हूं आईजी क्या है, मैक्सिमम करंट थ्रू गैलेनोमीटर, मैक्सिमम करंट थ्रू गैलेनोमीटर, इससे ज्यादा करंट इससे पास नहीं कर सकता। और आपको ये पेपर में पता कैसे गिवन आएगा, न्यूमेरिकल में कैसे गिवन आएगा, ये वो करंट है जिसके लिए गैलेनोमीटर पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है। दिस करंट इज दैट करंट एट विच द गैलेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन, जिसपे करंट जो गैलेनोमीटर है पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके ऊपर गैलेनोमीटर पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू होगी बहुत छोटी, 0.1, 0.2, 0.01, 0.04 एंपियर, लेकिन मुझे यहां से लार्ज करंट भेजना है, इधर से बहुत बड़ा करंट भेजना है, आई करंट भेजना है, गैलेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्ट हो गया मान लो 2 एंपियर के करंट पे, और मुझे इसके अंदर से 10 एंपियर का करंट भेजना है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसके अंदर से 2 एंपियर का करंट भेजा तो पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गया, अब मुझे इसका 10 एंपियर का करंट भेजना है, जब मुझे इसके अंदर से 10 एंपियर का करंट भेजना है मुझे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, जल्दी से लाइव चैट में बताओ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, ज्यादा करंट भेजना है, ज्यादा करंट भेजना है, जल्दी से लाइव चैट में बता दो, मैं इसके अंदर क्या करूं, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाऊं या कम करूं, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाऊं या कम करूं, जल्दी से लाइव चैट में बताओगे। गैलेनोमीटर से करंट कितना जा सकता है, आईजी, भेजना कितना है, आई, ये हमारे पास रेंज होगी, दिस इज द एमीटर रेंज, ये आपको एमीटर रेंज दे रखी है, अभी इतना करंट आपने मेजर करना है, एमीटर रेंज दे रखी है, इतना करंट आपने मेजर करना है, और जी क्या चीज है हमारे पास, गैलेनोमीटर रेजिस्टेंस है, ये गैलेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये गैलेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, जल्दी से कम करना पड़ेगा। ओ भाई रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट और कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट और कम हो जाएगा, अगर मुझे करंट को बढ़ाना है, इसके अंदर से कम करंट जा रहा है, ज्यादा करंट भेजना है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। ओम्स लॉ नहीं पढ़ा क्या, ओम्स लॉ नहीं पढ़ा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट हो जाएगा, जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना कम करंट हो जाएगा। कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा,
बढ़िया। और डिक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस कहां पे लगाऊंगा? डिक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस कहां पे लगाऊंगा? इसके सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं? अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस कम करना है गैल्वेनोमीटर का, तो मुझे साथ में इसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा या फिर पैरेलल में लगाना पड़ेगा? जल्दी से लाइव चैट में बता दो। जिसने इसका आंसर बता दिया ना, वो इस टॉपिक को समझ गया, वो इस टॉपिक को समझ गया भी इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं। कम तो करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, कम करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाओ, बहुत बढ़िया। कहां लगाना पड़ेगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाने से, इसके पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, अ स्मॉल रेजिस्टेंस, अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, बहुत बढ़िया, पैरेलल में लगेगा। ओए ये मिकी बोल रहा है सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में लगा दोगे, ठीक है भाई। तो ये पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस है ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। जब मैंने छोटा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया तो क्या हुआ, अब जब करंट आएगा तो मैक्सिमम करंट इस छोटे रेजिस्टेंस से पास करेगा। देखो आपको पता है पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहां ज्यादा करंट जाता है, तो इसके अंदर से ज्यादा करंट जाएगा, इसके अंदर से अभी भी आईजी जाएगा। टोटल करंट कितना मेजर करना था? आई। कितना मेजर करना था? आई। गैल्वेनोमीटर से कितना गया? आईजी। तो यहां से कितना जाएगा? आई माइनस आईजी। इधर से कितना जाएगा? आई माइनस आईजी। ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से अभी भी उतना ही जाएगा, गैल्वेनोमीटर से अभी भी उतना ही जाएगा, बाकी बचा हुआ करंट शंट के अंदर से चला जाएगा, बाकी बचा हुआ करंट शंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, बाकी बचा हुआ करंट शंट के अंदर से चला जाएगा। तो भाई ये एमीटर बन गया। इस पूरी डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमीटर। इस पूरी डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमीटर। दिस इज कॉल्ड एमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं शंट, जिसको हम बोलते हैं शंट, तो ये पूरा क्या बना देते हैं? ये पूरा क्या बना देते हैं? एमीटर बना देते हैं। ये पूरा क्या बना देते हैं? एमीटर बना देते हैं। चलिए जी इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस एक छोटा सा रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज एस, बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस एस विच इज नोन एज शंट। देखो शंट कहीं भी लिखा हुआ आ जाए ना, इसका मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना है। जब शंट कहीं भी लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना है। शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट एक छोटा रेजिस्टेंस होता है, एक सिंपल सी बात, शंट एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। भाई शंट नाम दिया गया, नाम दिया गया। अब जैसे ये बच्चे नाम दे रहे, गौरव मेहता बोल रहे शंट क्या, गौरव मेहता क्या होता है? नाम है, किसी चीज का नाम दिया गया। शंट एक छोटा रेजिस्टेंस है, डेफिनेशन लिख रहा हूं, एक छोटा रेजिस्टेंस है जिसको एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिसको एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जब इसके पैरेलल में कनेक्ट करोगे इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगा, अब इसके अंदर से ज्यादा करंट जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो इसके अंदर से पास हो जाएगा और सबसे जो छोटा सा करंट है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगा, जो छोटा सा करंट है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगा, ठीक है भाई। नाम ही तो रखना इसके अंदर, लिख देता हूं, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस व्हिच इज नेम्ड एज शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। ये तो बात समझ आ गई। अब शंट की डेफिनेशन सुननी हो तो शंट की डेफिनेशन सुन लो, It is a small resistance connected in parallel. किसके साथ पैरेलल में करा? Connected in parallel to convert galvanometer into ammeter. जो किस काम आता है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के काम आता है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। हाँ जी, आगे बात समझ, क्लियर हो गई बात, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। इस शंट की वैल्यू तो निकालनी है, ये पेपर में क्वेश्चन ही तो यही आएगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं ताकि एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ना लो, क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है भी। चलिए अब इस शंट की वैल्यू निकालते हैं, अब इस शंट की वैल्यू निकालते हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं सर नोट्स प्रोवाइड कर दो, मैंने पहले बोला था नोट्स आप खुद बनाओगे, मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। अगर आपने बनाने हैं, नहीं बनाने तो किसी और से मांग लो, मैं नहीं देने वाला। तो भाई अगर मैं नोट्स भी दूंगा ना तो आप लेक्चर क्या देखोगे, 2x पे। मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम 2x पे लेक्चर देखोगे, अपना टाइम बचाने के लिए, अपने कीमती समय बचाओगे और अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे। भाई लेक्चर कम से कम कंप्लीट देखो, दो अक्षर कान में ज्यादा पड़ेंगे और वो दो अक्षर तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ये दो अक्षर फालतू समझ आएंगे तो। इसलिए बोलता हूं नोट साथ साथ बनाओ, द रीजन इज जितना लिखोगे उतना समझ आएगा। नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। आई माइनस आई जी करंट को कैसे मेजर करेंगे, आई की वैल्यू गिवन होगी, आई जी की वैल्यू गिवन होगी। माइनस करना तो आपको आता ही है, माइनस करना आपको आता ही है। हाँ मैं जानता हूं 2x पे बढ़ेंगे नोट्स। चलो भी आओ, अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, as s and g are connected in parallel। आप सबको पता है ये जब पैरेलल में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये जब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कराना पड़ेगा। तो निकालते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले निकालेंगे इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का रेजिस्टेंस एस है, इधर से करंट जा रहा है I माइनस आई जी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V इज इक्वल टू आई आर करके निकलता है, V इज इक्वल टू आई आर करके निकलता है। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस इस एलिमेंट का आ गया, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई जी इसके अंदर से करंट था और यहां से जी इसका रेजिस्टेंस था, जी इसका रेजिस्टेंस था। बात समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी, दोनों का हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल इक्वल कर दिया। जब पोटेंशियल इक्वल कर दिया तो एस की वैल्यू निकाल लो, तो एस की वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा, आई जी अप इन टू जी अपोन आई माइनस आई जी अपोन आई माइनस आई जी। लो जी ये हमारे पास शंट की वैल्यू होगी, और हमेशा शंट की वैल्यू पूछी जाएगी भी कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं पैरेलल में, सो दैट भी हमारे पास ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। V इज इक्वल टू आई आर, बहुत अच्छा। ठीक है भाई आगे बात समझ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। लो भाई अब ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर लोगे, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। क्वेश्चन करोगे फिर एक क्वेश्चन करोगे, साइड प्लीज। लो यार एक बार ना एक साथ दिखा देता हूं, फिर एक छोटा सा पोर्शन रह गया इसके अंदर, वो छोटा सा पोर्शन मैं आपको छोटा सा पार्ट बता देता हूं इसके अंदर क्या करना था। लो भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एमिटर करंट मेजर करता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, इसका अपना रेजिस्टेंस जीरो होता है। गैल्वेनोमीटर को एमिटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा, और जैसे ही पैरेलल में शंट लगाओगे तो शंट की वैल्यू क्या होगी, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन जी, 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन जी। ये निकालने का तरीका आपको पता है, क्योंकि जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उनके रेजिस्टेंस कैसे ऐड किए जाते हैं हमारे को पता चल जाता है, ये कैसे ऐड किए जाते हैं हमारे को पता चल जाता है, आई एस प्लस आई जी हो जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, अब ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाने से, पहले रेजिस्टेंस कितना था, जी, अकेला गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। अब जब अकेला गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, इसके साथ पैरेलल में लगाने के बाद इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, विच इज मच मच लेस देन जी, विच इज मच मच लेस देन जी। इसका मतलब जैसे ही हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करना है तो आओ फिर क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला आपको एमीटर में कन्वर्ट करा देगा, एक फॉर्मूला एमीटर में कन्वर्ट करा देगा। चलो फिर
क्वेश्चन की तरफ, वही इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, जब मैं साथ साथ लिख रहा हूं, जब मैं साथ साथ लिख रहा हूं तो आप भी साथ साथ लिखो इसके अंदर। आओ फिर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, दो तीन क्वेश्चन मैंने लिख भी रखे हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन सुनो क्या दे रखे, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम दे रखा था, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, फॉर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के करंट के लिए पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है। फाइंड द अरेंजमेंट सो दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, ताकि वो 7 एम्पियर का करंट मेजर कर सके। चलो भाई, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया, आंसर भी अपनी तरफ से आएगा, और इसका आंसर सुन, ऑप्शंस मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूं, इतना तुम सॉल्व करो, इतना मैं ऑप्शन बनाने की कोशिश करता हूं। चलो भी फटाफट से करो सॉल्व, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो। बाय कनेक्टिंग 6 ohm resistance in series, second option, by connecting 6 ohm resistance in parallel, connecting 2 ohm resistance in series, connecting 2 ohm resistance in parallel, कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो बताओ, ऑप्शन बताओ फटाफट से, कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे इसको एमीटर में कन्वर्ट करोगे। By connecting 2 ohm resistance in parallel, Anurag Sinha, see, शर्म आनी चाहिए, see वालों क्या कर रहे हो, जब एमीटर में कन्वर्ट करते हो, एमीटर मतलब बड़े रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हो, सो दैट इट कैन मेजर लार्ज करंट, तो भाई पैरेलल में लगता है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगा। बी आ रहा है तो देखो जरा, शंट निकाल ले, एक सिंपल सी बात है, आपको शंट निकालना है, फॉर्मूला क्या, आईजी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आईजी, एक फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है भाई, 12 ओम इसका अपना रेजिस्टेंस है, और इसके अंदर से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, दे रखा है साफ साफ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, फॉर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब पूरा का पूरा कब डिफ्लेक्ट हो जाता है, जब 1 एम्पियर का करंट जाता है, जब कितना करंट जाता है 1 एम्पियर का, और जब आई निकलेगा, आई मतलब कितना करंट मेजर करना है इसने, 7 एम्पियर का, 7 एम्पियर का करंट इसने मेजर करना है, तो यहां से एस कितना निकलेगा, 1 × 12 डिवाइडेड बाय 7 − 1, तो एस इज इक्वल टू 12/6, द आंसर इज 2 ओम, बाय कनेक्टिंग अ 2 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। ये आ गया आंसर। चलो भी कन्वर्ट करें फिर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टमीटर में, बहुत बढ़िया आंसर।
बहुत बढ़िया आंसर, डी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी। ग्रेट, फोर्थ ऑप्शन। लाओ जी आ जाओ फिर, अब कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, इंटू वोल्टमीटर, मुझे इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। ठीक है भी, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो वोल्टमीटर कैसी डिवाइस होती है? वोल्टमीटर इज अ डिवाइस, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, यूज टू मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, यूज टू मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भी एक सिंपल सी बात करता हूं, यूज टू मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा एमीटर होता है ना, सॉरी वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर करता है बड़ी वोल्टेज को मेजर, और एमीटर क्या करता है? छोटी सी वोल्टेज को मेजर करता है। छोटी सी वोल्टेज पे पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है। थोड़ी सी वोल्टेज लगाऊंगा और थोड़ी सी वोल्टेज लगाने के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देगा और इसके बाद वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा, इसके बाद वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा सबसे पहले बात तो वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर को कहां कनेक्ट किया जाएगा? वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टमीटर इज ऑलवेज, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा कहां कनेक्ट किया जाएगा? इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाई इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो भी इधर आ जाओ फिर, कैसे? एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज थी, तो इसके लिए मुझे वोल्टमीटर पैरेलल में लगाना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे वोल्टमीटर क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब इस वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल की बात कर रहा हूं, आइडियल वोल्टमीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर यहां से कुछ करंट आ रहा है, अगर मान लो यहां से कुछ करंट आ रहा है और वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, मान लो कोई ना कोई उसका रेजिस्टेंस था, चाहे लो था, चाहे लो था चाहे हाई था, तो उसकी वजह से उस रेजिस्टेंस में करंट जाना शुरू हो जाएगा, उस रेजिस्टेंस में करंट जाना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल 5 एम्पीयर का करंट आ रहा था, ओवरऑल 5 एम्पीयर का करंट आ रहा था, अभी तक मैंने वोल्टमीटर नहीं लगाया, तो पूरा का पूरा करंट किससे पास कर रहा था, रेजिस्टेंस से, सारा का सारा करंट किससे पास कर रहा था, रेजिस्टेंस से। जैसे ही मैंने वोल्टमीटर लगाया तो क्या देखा, जैसे ही वोल्टमीटर लगाया तो क्या देखा, इसके अंदर से कुछ करंट चला गया, लेट इट बी 2 एम्पियर इधर से चला गया और 3 एम्पियर इधर से चला गया। अगर इधर से करंट कम हो गया तो इधर का पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, और इधर का पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा और ये वाली रीडिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये वाली रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि भाई पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। तो इसका मतलब वोल्टमीटर से करंट नहीं भेजना, वोल्टमीटर से करंट नहीं भेजना, आपने वोल्टमीटर से करंट भेज दिया तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था उसकी रीडिंग गलत आएगी, उसकी रीडिंग क्या आएगी, गलत। तो भाई एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर आपको वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है, आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर है, इस आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जल्दी से लाइव चैट में बता दो, ताकि इसके अंदर से करंट जाए ना, जितना भी करंट आए सारा का सारा रेजिस्टेंस से पास करे, यहां से करंट जीरो जाए, यहां से करंट जीरो जाए। इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि वोल्टमीटर के अंदर से करंट ना जाए। आइडियल वोल्टमीटर हैज, आइडियल वोल्टमीटर हैज, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर हैज कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई कितना, जी ओ भाई एक बात ध्यान से सुनो, अगर जीरो रेजिस्टेंस होगा ना, जीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है यहां पे रुकावट ही नहीं है, सारा का सारा करंट इधर से भाग जाएगा, इधर से तो करंट जाएगा ही नहीं, फिर इधर से तो करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा वोल्टमीटर से जाएगा, और हमने वोल्टमीटर से करंट नहीं भेजना, वोल्टमीटर से करंट नहीं भेजना, नेग्लिजिबल नहीं होगा। कैसे सोच सकते हो तुम नेग्लिजिबल, कैसे जा सकते हो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मतलब सारा करंट इसमें से जाएगा, और हमारा काम है हमने इसके अंदर से करंट नहीं भेजना, इनफाइनाइट। बढ़िया आंसर प्रांजल, कौन था ये, अर्नव, बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट मैक्सिमम, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लो भी ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, और वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, मैक्सिमम मींस इनफाइनाइट, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए।
सर इज योर कंटेंट सफिशिएंट फॉर नीट? जहां तक देखा जाए तो यार नीट के लिए तो बहुत है, ठीक है, वहां पे कंसेप्ट्स तो ज्यादा होते नहीं और मतलब इससे ज्यादा नहीं होंगे जितने मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट होगा, ठीक है भी? आ जाओ फिर, अब कैसे कनेक्ट करेंगे इसको वोल्ट मीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये बेचारा गैल्वेनोमीटर था, कन्वर्जन देखो, अब कन्वर्जन देखो, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा था, एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, अब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये बेचारा गैल्वेनोमीटर था, अब ये बेचारा गैल्वेनोमीटर था, और ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस मैंने 2 वोल्ट लगाई, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट लगाई, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट चला गया आईजी, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट चला गया आईजी, चलो भी चल गया सर्किट, सर्किट चल गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वोल्ट लगाने के बाद छोटी सी वोल्टेज थी, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी वोल्टेज लगाने के बाद आईजी करंट चला गया, आईजी करंट चला गया तो गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गया। व्हाट इफ, अगर मान लो मैंने यहां से 100,000 वोल्ट पास करना हो, अगर मुझे 1000 वोल्ट लगानी हो, 1000 वोल्ट से इतना ही करंट पास करना है, ध्यान से सुनना, 1000 वोल्ट लगाने के बाद भी इतना ही करंट पास करना है, तब भी अगर इतना ही करंट पास करना है तो मुझे इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। देखो वोल्टेज मैंने बढ़ा दी, अगर वोल्टेज बढ़ा दी तो करंट ज्यादा जाने की कोशिश करेगा, अगर मुझे करंट को कम करना है तो यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, मतलब इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए 2 वोल्ट की जगह 1000 वोल्ट को मेजर कराने के लिए, 2 वोल्ट की जगह 1000 वोल्ट को मेजर कराने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, जल्दी से लाइव चैट में बता दो, जहां आंसर बता दिया महा खत्म, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, बताओ बताओ लाइव चैट में बताओ फटाफट से, हाँ बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया सर, केमिस्ट्री भी आप ही पढ़ा दो भाई, आती नहीं है केमिस्ट्री, क्या करूं, तुम मुझे पढ़ा दो मैं तुम्हारे को वापस पढ़ा दूंगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, आज थोड़ा सा फिर से गले में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा करना पड़ेगा यार, ज्यादा कैसे करोगे, बहुत एक सिंपल सी बात, सीरीज में लगा दो रेजिस्टेंस, ज्यादा करने के लिए सीरीज में, कम करने के लिए पैरेलल में, तो लगा दो इसके सीरीज में रेजिस्टेंस, लगा दो इसके सीरीज में रेजिस्टेंस जल्दी से भाई, देख लो कैसे पता लग गया ना, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से, इसके सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा दिया, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा दिया तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये भाई एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया, जो बड़ी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, जो बड़ी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया, दिस होल ऑपरेटस, दिस होल सेटअप इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, इसे क्या बोला जाता है, वोल्ट मीटर बोला जाता है, सीरीज में लगाएंगे तो बहुत एक सिंपल सी बात, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, ठीक है भी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई अब ये रेजिस्टेंस होगा कितना, ये रेजिस्टेंस होगा कितना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस होगा कितना, चलो फटाफट से आ जाओ, ये रेजिस्टेंस होगा कितना, अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो वोल्टेज यहां से मेजर करनी है ना, वोल्टेज यहां से मेजर करनी है वो मुझे दे रखी होगी, लेट इट बी, मैंने कितनी वोल्टेज मेजर करनी है यहां से V, कितनी वोल्टेज मेजर करनी है यहां से V, V वोल्ट मुझे मेजर करना है, V वोल्ट मुझे मेजर करना है, ध्यान रखना V वोल्ट मुझे मेजर करना है, कितनी वोल्टेज मेजर करनी है V, आओ फटाफट से जल्दी से बताओ, ये भाई कोई मेरे को करनाल का लगता है, गौरव मेहता है ना, कह रहा है सर आप कमल मिड्डा को जानते होगा, हाँ भाई सारे मेरे वो रिपोर्टर सारे मेरे को ही जानते, हमारे यहाँ के फेमस रिपोर्टर हैं दो, ठीक है, तो मुझे कहां से जानते हो भाई, छोटे छोटे लोगों को कौन जानता होता है, गौरव मेहता करनाल का ही लगता है मुझे, है ना भाई, चल भाई गौरव मेहता एक बार वीडियो पे कमेंट कर, फिर आके मिलते हैं करनाल में आपको अच्छे से, आओ फटाफट से आओ यार, कन्वर्ट करते हैं। अब देखो भाई इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से तो आईजी करंट जाएगा, चाहे मैं 50,000 वोल्ट लगाऊं, चाहे 10,000 वोल्ट लगाऊं, सर अब मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा,
सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनना, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो जी प्लस आर, सीरीज में कनेक्टेड है तो जी प्लस आर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये हाई रेजिस्टेंस और ये हाई रेजिस्टेंस। अब यहां से V इज इक्वल टू आई आर करता हूं, ओम्स लॉ लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या करना है, ओम्स लॉ का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज कितनी मेजर करनी है, V, करंट तो आई जी ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, और ये आई जी वो करंट है जिसके ऊपर ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसका टोटल रेजिस्टेंस G प्लस आर, तो यहां से G प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन आई जी, G प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन आई जी। ठीक है भाई, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन आई जी माइनस जी। लो भाई, ये R की वैल्यू है, ये वो R की वैल्यू है जो आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करा देगी, ये वो R की वैल्यू है जो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करा देगी। सर एक बार और कन्वर्जन वाला पॉइंट आज फिर बताता हूं भाई। देखो, हमने मेजर करनी थी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए करंट उतना ही पास करना है, क्योंकि इससे ज्यादा गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करा, गैल्वेनोमीटर में इससे ज्यादा करंट पास करा तो वो खराब हो जाएगा। तो भाई इतनी बड़ी वोल्टेज मेजर करने के लिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ताकि ये रेजिस्टेंस बढ़ जाए और इसके अंदर से अभी भी आईजी करंट जाए। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना था, जी प्लस आर, और इसके अंदर से करंट आईजी जा सकता था, वोल्टेज हमने मेजर करनी थी वी, जितना ज्यादा वी बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपको आर बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मेजर द हाई वोल्टेज, सो दैट यू कैन मेजर द हाई वोल्टेज। ठीक है भाई, जल्दी से एक बार बता दो समझ आ गया, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं और एक बार सबका फीडबैक आ जाएगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। सर एक दो न्यूमेरिकल, एक दो लेक्चर नीट पीवाई क्यू के रख लो, रख लेंगे, जल्दी रख लेंगे। सर मैं कोई कोचिंग नहीं जा रहा, आपके नोट्स से क्लास ट्वेल्थ में अच्छे आ जाएंगे। भाई देख, भरोसा तो नोट्स पे भी कर लियो, मेरे पे भी कर लियो, लेकिन इतना भरोसा करना भी आप खुद पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, मेरे अकेले के पढ़ाने से नहीं आएंगे, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, 50 की जगह 100 लेक्चर भी ले लूं, तभी नंबर आपके तभी आएंगे जब आप खुद मेहनत कर रहे हो, आप खुद इसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद यहां पे पढ़ रहे हो इसको बार बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आ जाएंगे नंबर। जी तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। सर पंजाब में स्कूल खुल जाएंगे तो भाई रात को नहीं स्कूल खुलेंगे, रात को तो मेरा लेक्चर चलेगा, आराम से देखो। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद करो फिर से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रात को बैठ के इसको याद करना, रटना इन फॉर्मूला को, देखो रटना इन दी सेंस आपको लर्न करने हैं, फॉर्मूलाज याद होंगे, फॉर्मूला लर्न होंगे तो कॉम्पिटेटिव में हेल्प करेंगे, सीबीएसई में इतने ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे लेकिन कॉम्पिटेटिव में हेल्प करेंगे। ठीक है, आओ फिर आओ फटाफट से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन करते हैं इसका, एक अच्छा सा क्वेश्चन, फिर तीन एमसीक्यू, फिर आज एक लेक्चर खत्म हो जाएगा, दो एमसीक्यू मैं कराऊंगा, तीसरा खुद आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी की वन शॉट, भाई देखो दो वन शॉट पेंडिंग है, एक तो कैपेसिटेंस का, इस हफ्ते में कैपेसिटेंस का आएगा, क्योंकि वन शॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट आ चुका है, इस हफ्ते कैपेसिटेंस का वन शॉट होगा वीकेंड पे, और नेक्स्ट वीक में कभी भी एक दिन उठा के क्या करा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का करा देंगे। अच्छा वी बोल रहे सर सीरीज में क्यों करा है, भाई रेजिस्टेंस बढ़ाना है, जब भी रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो सीरीज में कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस कम करना होता है तो पैरेलल में कनेक्ट करो, तो पैरेलल में कनेक्ट करो। ठीक है, देखो जरा, अब गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अब गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, अगेन ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। ठीक है, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर करंट के लिए पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है भी, बात समझ रहे हो ना, सारा डाटा आपको पता चल जाएगा। फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर,
इट इनटू अ वोल्ट मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज क्या दे रखी है आपको 0 to 10 volt, मतलब 10 वोल्ट वो मेजर कर सकते हैं, मतलब वो 10 वोल्ट मेजर कर सकते हैं। 0 to 10 volt का मतलब देखो कोई भी स्केल शुरू होगा ना वो 0 से शुरू होगा, 0 से 10 तक जा सकता है। ये ऐसे स्केल दे रखे हैं 0 और ये 10, 0 से 10 तक जा सकता है, मतलब 10 वोल्ट मेजर करना है इसने, 10 वोल्ट मेजर करना है। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं? बताओ फटाफट से, रिवीजन कब कराओगे? जब सीबीएसई डेट शीट, मतलब सीबीएसई बता देगा भी एग्जाम कब होने, अभी तो नहीं बताया ना कब होने, नंबर बताया दिसंबर बताया, नवंबर दिसंबर में एक महीने का फर्क है और ये फर्क हमारे लिए बहुत है। याद है ना 11th रिवीजन कैसे हुई थी, वैसी रिवीजन होगी, उससे भी तगड़े तरीके से होगी। उस टाइम तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी यूट्यूब पे काम कैसे किया जाता है, अब तो धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। सर आप इग्नोर कर रहे हो मुझे, भाई देख इतने कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे कमेंट पढ़ने मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तुम इग्नोर मत समझो, इंस्टाग्राम पे मिलवा के 4578 ओम। आओ फिर देख लो यार, जो गिवन है फटाफट से लिखते जाओ, इसमें से करंट कितना जा सकता है मैक्सिमम 2.5 मिली एम्पियर, क्योंकि ये दे रखा है पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा कितने करंट के लिए, 2.5 मिली एम्पियर के लिए। तो कन्वर्ट कर लो 2.5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 एम्पियर, 2.5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 एम्पियर। जी की वैल्यू मतलब गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम, 12 ओम दे रखा है। 3988 अभय प्रताप सिंह, शायद यही आंसर है, 3988 ओम इन सीरीज, अनुराग सिंगला, सॉरी इन अनुराग सिन्हा। ठीक है, अब इसके अंदर से वोल्टेज कितनी मेजर करनी है, 10 वोल्ट, तो आर कितना कनेक्ट करना पड़ेगा ये बता दो। तो इस आर का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला क्या था, वी अपोन आई जी माइनस जी, वी अपोन आई जी माइनस जी, कितनी वोल्टेज मेजर करनी है, 10 वोल्ट, और आई जी कितना है, 2.5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, ये कैंसिल करके 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 रेस टू पावर 3, 4 इंटू 10 रेस टू पावर 3 माइनस 12, सो दिस विल बिकम 4000 माइनस 12, 4000 माइनस 12, आर विल बिकम इक्वल टू 3988 ओम, 3988 ओम। इतना रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ, सो दैट इट विल कन्वर्टेड इंटू एमीटर, वो सॉरी वोल्ट मीटर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वोल्ट मीटर में। टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं करते हैं सर जी, अब यहां पे पूछोगे केमिस्ट्री क्लास कब होगी कब नहीं होगी, तो रिप्लाई यहां पे दे चुका हूं, नहीं होगी क्लास, मुझे नहीं पता कब होगी, अब सर से पूछो, मेरे हिसाब से तो क्लास होगी नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब दे दूंगा, जनरली जवाब देने वाला क्वेश्चन होगा तो आंसर दिया जाएगा, अदरवाइज यार सॉरी है मेरी तरफ से। ठीक है, इतने ज्यादा रिप्लाईज करने वैसे भी पॉसिबल नहीं होते, तो सॉरी मेरी तरफ से। चलो फटाफट से एमसीक्यू करें, फिर दो एमसीक्यू करा रहा हूं, तीसरा अपने आप करोगे, आ जाओ दो एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, दो एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आओ फटाफट से, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट यू कैन सी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ी सी फ्लिकरिंग होगी अभी, क्योंकि लाइट की दिक्कत है, ज्यादा ही हो रही है थोड़ी सी, ज्यादा ही हो रही है थोड़ी सी, लेकिन फ्लिकरिंग होगी बता रहा हूँ, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कमरा अभी रूम बहुत छोटा है, ये जब तक रूम ठीक नहीं हो जाता तब तक ये फ्लिकरिंग नहीं हटेगी। इनकेस अगर आपको एडजस्ट कर सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं इस एमसीक्यू को हटा देता हूं यहां से, एडजस्ट कर लोगे तो बता दो, नहीं तो एमसीक्यू हटा लूं, दिख तो साफ रहा है, दिख तो साफ रहा है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आपको ये फ्लिकरिंग से बचना है या क्वेश्चन करना है।
हाँ वो भी एडजस्ट करो, फिर एडजस्ट आ जाओ क्वेश्चन में। अ गैलोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, इसका रेजिस्टेंस 60 ओम दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस 60 ओम दे रखा है। अब ये पता चल गया भाई गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है, तो मतलब जी की वैल्यू 60 ओम दे रखी है, जी की वैल्यू 60 ओम दे रखी है, ये पता लग गया। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर पासस थ्रू इट, मतलब ये आईजी दे रखा है, मैक्सिमम करंट दे रखा है, हमारे पास कितना है 1 एम्पीयर, shows a deflection of 1 ampere, sorry, full scale deflection when a current of 1 ampere is passed through it. आसान क्वेश्चन नहीं है, देखो फिर ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, मैं तो वहीं से उठा के लाया हूं। It can be converted into ammeter to read current up to 5 ampere, मतलब इसको 5 ampere का करंट मेजर करना है, 5 ampere का करंट मेजर करना है। जल्दी से लाइव चैट में बता दो भाई इसका आंसर कितना होगा, मैं कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करूं या पैरेलल में कनेक्ट करूं, एमीटर में कन्वर्ट करना है, और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो भाई सीरीज वाले दोनों ऑप्शन तो काट दो, सीरीज वाले दोनों ऑप्शन तो काट दो, अच्छा दिख नहीं रहा, लो जी दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देता हूं। यहां से गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम, और आई जी दे रखा है 1 एम्पियर, और आई कितना दे रखा है हमारे को 5 एम्पियर। तो भाई बताओ कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करो, एस की वैल्यू बताओ एमीटर में कन्वर्ट करना है। जेई के लिए सफिशिएंट तो नहीं है लेकिन हां बेनिफिशियल है। ए ए ए ए ए बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, ए सही है। लो देखते हैं अभी S का फॉर्मूला आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, तो S इज इक्वल टू कितना करंट पास करना है 1, रेजिस्टेंस 60 और यहां से 5 माइनस 1 60 अपॉन 4। ये कोई क्वेश्चन था, ये तो हृदय बैच पांच मिनट बोल रहा हूं, 5 सेकंड में कर लेंगे। लो भाई अब आ गया हमारा आंसर, आंसर आ गया हमारा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। 15 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, 15 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ओ भाई पता है स्क्रीन सही नहीं है, दिख रहा है यहां पे फ्लिकरिंग कर रही है, बता रहा हूं ना लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो ठीक करनी पड़ेगी, ठीक करने में लगेगा टाइम, अभी है नहीं टाइम, जब टाइम होगा ठीक कर लेंगे, अभी इसी में एडजस्ट कर लो। ए आंसर है, ए आंसर है, ठीक है। आओ फिर अगले एमसीक्यू पे, अगले एमसीक्यू पे आओ, चलो देखते हैं ये वाला साथ आ गया, वैसे तो ऑप्शंस ही है। अ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 13 ओम, एक एमीटर का रेजिस्टेंस बेचारे का 13 ओम रेजिस्टेंस है, 13 ओम रेजिस्टेंस है। भाई देखो हम पहले वाले को एमीटर भी बोल सकते हैं, हम इसको बड़े एमीटर में कन्वर्ट करना सकते हैं, बड़े एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले वाला छोटा एमीटर था, छोड़ी छोटा एमीटर था, अब इसको बड़े एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो छोटा एमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर ही है, छोटा एमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर ही है। ये सो इजी नहीं है, ये इजी बना है जब आपको कंसेप्ट समझ आ गया है, और मैं यही बोलता हूं कंसेप्ट सीख लो एमसीक्यू तो हलवा गया, जो मर्जी समझ जो, बहुत इजी होने वाले है। अब देखो ये भी आसान है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 13 ओम एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर अ करंट अप टू 100 एम्पीयर्स, इसका मतलब पूरा का पूरा यहां से चला जाता है, पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है, जब इसके अंदर से करंट कितना जाएगा 100 एम्पीयर का, 100 एम्पीयर का करंट जाएगा। आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज बीन कनेक्टेड इन दिस एमीटर, एक शंट कनेक्ट कर दिया, इट बिकम पॉसिबल टू मेजर करंट अप टू 750 एम्पीयर, मतलब फिर ये 750 एम्पीयर का करंट मेजर कर सकता है, मतलब उसके बाद ये 750 एम्पीयर का करंट मेजर कर सकता है। भाई देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, ये नीट के क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आने वाले हैं, ठीक है, 100% गारंटी है, इससे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ कुछ एक क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैं आपको न्यूमेरिकल सीरीज में, मतलब जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, एस बताना है, तो वही से फिर से वही फॉर्मूला आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। भाई जो मुझे क्वेश्चन मिले मैंने तो उठा के यहां से उठा के रख दिया, मैंने क्या क्वेश्चन कौन से डाले, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन, कोशिश करी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन डालूं ताकि लेवल बढ़ाऊं, यार यहां तो बच्चे सीख ही गए हैं सब कुछ, लेवल तो बढ़ा ही नहीं, लेवल क्यों नहीं बढ़ा, तुम्हारे को सब कुछ आता है, तुम्हारे को सब कुछ आता है,
चलो फिर यहां से आईजी कितना 100 और जी कितना 13, तो ये 750 माइनस 13, तो यहां से क्या बनेगा 100 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 650 डिवाइडेड बाय 650, ये कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया 5 और ये 2 आ गया, तो भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, इसका आंसर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस वन इज एन सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो भाई अपने आप कर सकते हो, इस सिंपल क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर लो आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये लो जी, ये हमारा HW क्वेश्चन, ये हमारा HW क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, ये है होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 मिलीवोल्ट। ये आ गई गड़बड़। देखो छोटा सा हिंट दे देता हूं, छोटा सा हिंट दे देता हूं, अगर आपको आईजी निकालना है ना, अगर आपको आईजी निकालना है तो भाई देखो करंट कितना जा रहा है, तो देखो करंट कितना जा, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 10, मैक्सिमम वोल्टेज 10 मिली वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, ये 2 मिली, ये 2 मिली एम्पियर का करंट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट 2 मिली एम्पियर का आ जाएगा, मैक्सिमम करंट 2 मिली एम्पियर का आ जाएगा, ये छोटा सा हिंट है। टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर गिविंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट द साइज ऑफ द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी अटैच्ड टू द वोल्टमीटर, ठीक है। अब पहले 10 मिली एम्पियर को, सॉरी पहले 10 मिली एम्पियर पे पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है जो कि 1 वोल्ट पे जाके पूरा डिफ्लेक्ट होगा, तो भाई कितना रेजिस्टेंस उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या 495, ऑप्शन क्या 495, ऑप्शन क्या 495, 49.5, 495, 49.5, 4950 एंड नन ऑफ दीज, एंड नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन है। जल्दी से लाइव चैट में आके बता दो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो भाई कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट कर देना, यहाँ पे जो 100 110 या इससे ज्यादा बच्चे देखते हो ना, सबका कमेंट का आंसर चाहिए मुझे, सबके कमेंट चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाएगा पर कल, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं, कल कोई नहीं, कल निकाल देना इसको, कल निकाल के अपने आप कमेंट कर देना बस। लो जी ठीक है भी, अब यहीं पे खत्म करते हैं, आंसर बताते रहना, थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।